अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समिया आसिम और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हमारे जो 7th RNA कंटोनमेंट के अंदर एक टेररिस्ट बनकर आए थे उनके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वैसे इन रियल लाइफ ही सच अ स्वीटहार्ट। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने एक रोल प्ले किया है एक टेररिस्ट का। टेररिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करेगा। नो डाउट आपकी एक्टिंग वॉज वेरी गुड एंड रियली वी डिड नॉट लाइक द कैरेक्टर, विच इज़ अ साइन कि आपने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। लेकिन आपको कैसा लगा अपनी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा मैसेज पोर्ट्रे करके? पहले तो ये करेक्टर टेररिस्ट का जैसा आपने बोला करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक ऐसा करेक्टर आप निभा रहे हो जिससे आप खुद नफरत करते हैं, ठीक है। और उस नफरत के साथ साथ आपने जो है उस करेक्टर को अपनाना भी है, जो कि अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल उस्तादों के साथ काम किया, शमून भाई, टिपू भाई, अदनान जाफर, तो इनके गाइडेंस साथ थी और फिर करेक्टर को निभा लिया। थोड़ा बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। एक प्रोडक्ट जो थी कम, ये एक दिल को सहारा हुआ कि हाँ, एक जो मेहनत की गई थी वो वसूल हुई है। और चूंकि ये काम बेसिकली एक अच्छे कॉज के लिए किया गया था, तो मेरे ख्याल में वो मैसेज, वो कॉज जो था वो पूरा हुआ है। और अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको कितना पसंद करते हैं, तो होपफुली ऑडियंस को पसंद करेगी, इस फिल्म को पसंद करेगी। आई मीन